मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ आज रंग दे, ओ माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, तेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लागें ड्रीम में। सबसे पहले तो आप सभी को 15 अगस्त की ढेरों शुभकामनाएं। हमारी आज़ादी को आज 75 साल हो चुके हैं, तो आज है अमृत महोत्सव, हर घर झंडा लगाना अभियान है। तो हम लोगों ने अपने छत पे झंडा लगाया है। आप अगल बगल में जहाँ रहता हूँ इस समय देख सकते हैं, सभी की छतों पर जो है झंडा तिरंगा लहरा रहा है हम लोगों का। तो ऐसे ही आपको पूरे बलिया शहर में, आपको हर जगह जितने भी घर हैं, मकान हैं, उन सभी घरों के ऊपर तिरंगा झंडा ऐसे ही लगाया गया है। तो मैंने तो अपने फ्रंट में और बैक में दोनों में ही मैंने तिरंगा झंडा लगा रखा है। और आज हवा बहुत तेज़ है, इतनी तेज़ है कि एकदम पैर ज़मीन पर टिक नहीं रहे हैं। तो 15 अगस्त के दिन बहुत सारे जुलूस निकलते हैं, झांकियां निकलती हैं, परेड निकलती हैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें बलिया के बारे में जानने को मिलेंगी, किस तरह हमारे यहाँ 15 अगस्त मनाया जाता है, किस तरह यहाँ परेड निकलती है। ये मेरी छत पर का तिरंगा है जो आप देख रहे हैं अभी। बहुत ही सुंदर इस समय का मौसम हुआ है। बिना देर के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे तिरंगा झंडा हाथों में लेकर के मार्च कर रहे हैं। ऐसे ही आपको जितने भी रोड दिखेंगे आपको मार्च करते हुए ऐसे ही तिरंगा झंडा हाथ में लिए हुए अपने अपने स्कूल के बच्चों को लेकर के पूरे शहर में दिखाते हैं कि आज है 15 अगस्त, हमारी आज़ादी का दिन। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस 15 अगस्त में जितने भी हम लोग के शहीद जवान जो इस देश को आज़ाद कराने में शहीद हो गए, उन सभी को श्रद्धांजलि मेरी तरफ से। यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा मार्च निकाला गया है क्योंकि हमारी आज़ादी के आज 75वां वर्ष है। तो काफ़ी लंबी कतार है इस मार्च की, ये पूरे बलिया शहर में भ्रमण करेगी। तो सभी के हाथों में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा आज के दिन, तिरंगा झंडा। हमारा तिरंगा झंडा इतना कलरफुल, इतना अच्छा है कि उसको देखते ही ना एकदम मन में एकदम सुकून सा आ जाता है। और इस तिरंगे के पीछे बहुत हमारे जवानों की, बहुत लोगों की शहादत है जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो यहाँ पे सभी जितने भी आपको पुलिस बल के जितने भी जवान हैं सभी के हाथों में तिरंगा झंडा देखने को मिलेगा। आज जो है पूरा बलिया शहर बिल्कुल हम लोग तिरंगे झंडे कलर में बिल्कुल रंग चुका है। मतलब जहाँ देख रहा था मैं वहाँ केवल तिरंगा झंडा दिख रहा था, किसी की गाड़ी हो या कुछ भी हो, जो भी था जहाँ भी सबके हाथों में तिरंगा झंडा नजर आ रहा था। यहाँ पे ये पुलिस बल की सभी लोग हैं जवान। तो ये परेड ऐसे मार्च हो रही है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे सभी के हाथों में तिरंगा झंडा है। हम हिंदुस्तानियों का फर्ज बनता है कि लोगों के दिलों में इस तिरंगे झंडे के प्रति हम अपना प्रेम स्नेह कैसे दिखा सकते हैं। तो इसलिए सभी लोग अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर के आज निकले हैं, जितनी प्रशासन है हम लोग की,
कोर्ट कचहरी कहीं भी आप देख लीजिए, सभी जगह आपको ये झंडा दिखेगा हमारा नेशनल फ्लैग। इंडिपेंडेंस डे हम लोग हर साल उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राण त्याग दिए, उनके बलिदानों को हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हर साल जब भी 15 अगस्त आए, नहा धो करके बिल्कुल इस तिरंगे झंडे के इस महोत्सव में शामिल होना चाहिए। 15 अगस्त के दिन हम लोग को तिरंगे झंडे का हमेशा सम्मान करना चाहिए। कहीं भी आप नेशनल एंथम मैं देखता हूँ कि बजता है तो बहुत लोग चलते भी रहते हैं, जबकि वो चाहते तो रुक सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आपको नेशनल एंथम बजे तो आप रुकिए, दो मिनट से कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ जितनी भी आपको बाइकें दिख रही हैं, बाइकर्स दिख रहे हैं, ये सब पुलिस प्रशासन हैं के लोग हैं जो हम लोग की सुरक्षा के लिए दिन रात गश्त करते हैं, ताकि कोई क्राइम किसी के घर ना हो, चाहे किसी माँ बहन की बेटियों के साथ कोई सी दिक्कत परेशानी ना हो। तो पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा रोल होता है। सो दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक आए, वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो वीडियो में बने रहिएगा, ये काफिला ऐसे ही चलता रहेगा आगे कारवा। तो यहाँ पे पूरा काफिला आप लोगों ने देखा कि कितनी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। ये मार्च पूरे शहर में ऐसे ही घूमता रहेगा, अधिकारी से लेकर के छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग जो है इस मार्च में शामिल हैं। बलिया शहर एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ें, जो भी त्यौहार हो चाहे कोई फंक्शन हो, हर चीज़ों को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो ये सामने आप जो देख रहे हैं ये जजिंग है, मतलब यहाँ जजमेंट होता है, जिला कोर्ट जिसको बोलते हैं, न्यायालय हम लोगों का वाहन है। सभी निकल गए हैं आज 15 अगस्त के दिन। हम हिंदुस्तानियों का ये फर्ज होता है कि 15 अगस्त के दिन उन शहीदों को जरूर याद करें, उनकी शहादत को याद करें, क्योंकि इंसान इतना बिजी हो गया है, इतना अपने आप में खो गया है कि वो ये भूल गया कि जिस हवा में वो सांस ले रहा है वो उन्हीं लोग की बदौलत है, उन्हीं लोग का दिया हुआ है। तो हमें याद करते रहना चाहिए उन लोगों को, शहीदों को, और इस तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए। ये तिरंगा झंडा हम लोग के दिलों में होना चाहिए। तो वीडियो में यहाँ तक आए हैं, वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे जितने भी आप स्टूडेंट देख रहे हैं, जो भी बच्चों को देख रहे हैं, ये सभी जो हैं 15 अगस्त के दिन झंडा फहरा रहे हैं, भाषण सुन रहे हैं। तो ऐसे ही आपको जगह जगह, आपको जितने भी स्कूल कॉलेज जहाँ भी आप देखेंगे, तो वहाँ पर आपको ऐसे तिरंगा झंडा के आगे नमन करते हुए, सिर झुकाते हुए, जयकारा लगाते हुए दिख जाएंगे। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक सॉन्ग गाना चाहता हूँ, आज़ादी को चले बिहाने दीवानों की टोलियाँ, आज़ादी को चले बिहाने दीवानों की टोलियाँ, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियाँ। तो दोस्तों, यहाँ पे ये स्कूल है, इस स्कूल में सभी लोग आज जो है वाइट ड्रेस पहन के आए हैं। जो वाइट ड्रेस है हम लोग के यहाँ शांति का और सच्चाई का प्रतीक है। यहाँ पे देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं सभी जो है 15 अगस्त मना रहे हैं, एक कतार में खड़े होकर के भाषण को सुन रहे हैं कि कैसे हम लोग का देश आज़ाद हुआ, किस तरह से उन्होंने अपने बलिदान दिए इस देश के लिए, ताकि हम आज बिना किसी डर के, बिना किसी भय के कहीं भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं। सबको समानता का अधिकार मिल गया, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सब लोग आज एक रंग में रंगे हुए हैं। केवल 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, आज हम लोग अपने ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, अपने ऊपर गर्व महसूस करते हैं, उन जवानों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके हम लोग को
आज़ादी दिलाई। जितने भी स्कूल हैं चाहे कॉलेज हैं वहाँ मैं आपको ले चलूँगा, दिखाऊँगा कि बलिया में, सारी जगहों पे तो नहीं जा सकता हूँ लेकिन जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ मैं आपको छोटी छोटी क्लिप ऐड करता हुआ जाऊँगा कि कैसे यहाँ पे सब चीज़ें हो रही हैं, कैसे यहाँ पे 15 अगस्त मनाया जा रहा है बलिया में हर जगह जगह पे। तो व्लॉग में बने रहिएगा। यहाँ पे एक स्कूल है, स्कूल में देखिए छोटा सा बच्चा, कितना छोटा है, नन्हा मुन्हा राही हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे साथ जय हिंद जय हिंद। तो यहाँ छोटे बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं, देखिए ड्रेस पहन करके आर्मी का डांस कर रहा है। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, हो माय रंग दे, मेरा रंग दे बसंती। हम भारतवासियों के लिए तिरंगा झंडा बहुत ही खास होता है। तिरंगे झंडे में तीन कलर होते हैं, पहला कलर केसरिया साहस और बलिदान का, सफेद शांति और सच्चाई का, हरा कलर संपन्नता का, और इसमें जो चक्र बना रहता है ये 24 घंटे की इसमें तीलियां लगी रहती है, मतलब 24 घंटे हम लोग चलने की हम लोग को प्रेरणा देता है ये चक्र कि हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। दोस्तों वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी मेरी लगती है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज जो है पूरा बलिया शहर जो है 15 अगस्त यानी हमारी आज़ादी का दिन मना रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सुबह में मम्मी को ले गया था ऑफिस, तो मैं जब ऑफिस से वापस आ रहा था तो यहाँ मैं तिरंगा लेने के लिए स्टेशन के पास आया था क्योंकि उस साइड में तिरंगा झंडा नहीं मिल रहा था, मुझे बिग वाला तिरंगा झंडा अपने छत के ऊपर लगाना था। तो रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करते हुए मैं दूसरे साइड जा रहा था तो सोचा कि क्यों ना यहाँ पे खड़े होकर के इस समय 15 अगस्त के दिन यहाँ पे भी छोटी सी क्लिप उतार लूँ। तो यहाँ मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ, सो स्टेशन से अब मैं जाऊंगा दूसरी तरफ लेने के लिए झंडे को, क्योंकि झंडा बहुत ही आज के दिन खास है और ये दिन भी बहुत ही खास है 15 अगस्त। सो वीडियो में बने रहिएगा। ये है बलिया का बस स्टैंड, देख सकते हैं सभी की का वाहनों पे, चाहे वो 2-व्हीलर हो 4-व्हीलर हो बस हो, सभी के ऊपर तिरंगा झंडा सामने बिल्कुल लगाया गया है। ऐसे आपको जितने भी आपको वाहन दिखेंगे सभी के ऊपर तिरंगा झंडा आपको दिखेगा। ये हमारे यहाँ का बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड मतलब 24 घंटा खुला रहता है, यहाँ पे गाड़ियाँ हमेशा लगी रहती हैं, आपको जहाँ जाने की इच्छा करे आप वहाँ जा सकते हैं। काफ़ी दूर दूर तक गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ से बसें, रोडवेज बलिया से गाजीपुर मऊ बनारस इलाहाबाद, मतलब हर रूट की आपको यहाँ पे बसें मिल जाएंगी जहाँ आप जाना चाहते हैं। ये हमारा तिरंगा झंडा कितनी शान से लहर रहा है। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, हो माय रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, तेरा रंग दे बसंती चोला।